न्यूज खबर का असर। सिंगिया में फर्जी नर्सिंग होम का जांच करने पर मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया प्रखंड स्थित सिंगिया क्षेत्र में बिना रजिस्टर्ड के संचालित नर्सिंग होम को शुक्रवार को सिंगिया पीएससी के मेडिकल टीम के डॉक्टर राकेश कुमार और डॉक्टर सुजीत कुमार, स्वास्थ्य कर्मी नरेंद्र सिंह उर्फ गोपाल सिंह द्वारा जांच किए जाने से फर्जी ढंग से संचालित नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया है। जब मेडिकल जांच टीम सिंगिया पीएससी के समीप सिंगिया रोसरा मुख्य सड़क मार्ग पर संचालित श्यामा इमरजेंसी हॉस्पिटल का जांच करने पहुंची तो वहां की वस्तु स्थिति देखकर दंग रह गए हैं। जो कि ऑपरेशन करके महिला को प्रसव कराया गया था, उन्होंने उपस्थित उक्त अस्पताल के व्यवस्थापक से रजिस्ट्रेशन नंबर एवं अनिवांछित कागजात की मांग किया तो वे 10 मिनट में देने की बात बताया था, परंतु जांच टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं करके अपने नर्सिंग होम के बोर्ड को हटा दिया। कई ऐसे संचालित नर्सिंग होम का बोर्ड जांच करने से पहले हट गया था। विदित है कि मुजफ्फरपुर में एक निजी नर्सिंग होम में एक महिला के दोनों किडनी निकालने की खबर को लेकर सिंगिया में बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी नर्सिंग होम संचालित करने की खबर पी न्यूज पर प्रकाशन किए जाने के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के सचिव को दिए थे। तब सीएस के निर्देश पर जांच टीम गठित कर जांच किया गया है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पी न्यूज।